हेलो बच्चों, आज की गणित की क्लास में हम मोदी केयर फाउंडेशन के द्वारा जो आपको वर्कबुक मिली है उसमें पेज नंबर 37 पे हमें कुछ जमा के सवाल दिए हुए हैं। आइए अब हम उन्हें हल करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जमा, जिसे हम इंग्लिश में एडिशन भी बोलते हैं, और ये है जमा का निशान। तो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ जमा के सवाल दिए हुए, आइए अब हम इन्हें हल करना सीखते हैं। पहले हम संख्या पढ़ेंगे। पहली हमारी संख्या है 321,565। तो 321 में हमें 565 जमा करना है, तो हम यहाँ से जमा शुरू करेंगे। पहला अंक है हमारा एक, नीचे है पाँच, एक में पाँच जमा करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे कितना अंक है? दो, नीचे छः, दो में छः जमा करेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ पे कितना अंक है? तीन, नीचे कितना है? पाँच, तीन चार पाँच छः सात आठ। तो हमारा जवाब कितना आया? 886। चलिए इस सवाल को भी हम हल करना सीखते हैं। पहले संख्या पढ़ेंगे 847, 252। तो बच्चों, 847 में हमें 252 जमा करना है। तो पहला अंक पढ़ेंगे हम सात, नीचे दो, सात आठ नौ, चार पाँच छः सात आठ नौ, आठ नौ दस। तो हमारा जवाब कितना है? 1099। यहाँ संख्या पढ़ेंगे 534, 435। यहाँ पे अंक कितना है? चार, नीचे कितना है? पाँच, चार पाँच छः सात आठ नौ। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? नौ, तीन, तीन में तीन जमा करेंगे, तीन चार पाँच छः, पाँच, पाँच में चार जमा करेंगे, पाँच छः सात आठ नौ। जवाब हमारा क्या आया? 969। अब यहाँ संख्या पढ़ेंगे हम 645, 122। तो 645 में 122 जमा करना है। यहाँ पे कितना अंक है हमारा? पाँच, नीचे कितना है? दो, पाँच छः सात, चार, चार में दो जमा करेंगे, चार पाँच छः, छः, छः में एक जमा करेंगे, छः और एक सात, 767। चलिए सवाल को भी हम हल करते हैं। पहले संख्या पढ़ेंगे 132, 762। तो यहाँ पे कितना अंक है? दो, नीचे कितना अंक है? दो, दो में दो जमा करेंगे, दो तीन चार। यहाँ पे कितना अंक है? तीन, नीचे कितना है? छः, तीन में छः जमा करेंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। यहाँ पे कितना अंक है? एक, नीचे सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो हमारा जवाब कितना आया? 894। अब यहाँ हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले हम संख्या पढ़ेंगे 546, 342। तो पहले यहाँ पे कितना अंक है हमारा? छः, नीचे दो, छः में दो जमा करेंगे, छः सात आठ, चार, चार में चार जमा करेंगे, चार पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ। तो हमारा जवाब कितना आया? 888। तो बच्चों, देखा आपने आज हमने किस तरह जमा के सवाल हल करने सीखे। उसी तरह आप अपनी वर्कबुक में ये चेक कीजिएगा कि जिस तरह मैंने यहाँ जमा के सवाल हल किए हैं, क्या आपने भी उसी तरह हल किए हैं या नहीं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।